Vayam Prabha, Digital India, Educated India. फ्रेंड्स सो ई एस डी ए आर अर्थात एक्सप्लोरेटरी स्टैट्सकल डेटा एनालिसिस विद आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आपको याद होगा अब तक हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण लिए हैं और और उस पर मैंने दो टॉपिक्स पर बात करी है एक तो जो आपकी जो भी आपके हाथ में डेटा आता है उसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है और उस डेटा का वेरिएशन क्या है आप मुझे ये बताइए कि अगर हमारे हाथ में कोई डेटा आता है तो क्या उसमें सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी को दे करके आपको इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए या सिर्फ वेरिएशन को दे करके निकालना चाहिए अगर हम कहें आपके पास कोई ऐसे दो डेटा सेट हैं जिसमें आपने कहा कि ठीक है अगर हमको वेरिबलिटी के बारे में बात करनी है तो जिस डेटा सेट की वेरिबिलिटी कम होगी हम उसको इस्तेमाल करेंगे आपने कह दिया कि हम दोनों का वीरियंस निकाल लेंगे स्टैंडर्ड डिवियशन निकाल लेंगे और देख लेंगे जिस डेटा सेट का कम है हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे अब लेकिन जो भी एवरेज वैल्यू होती है ये भी आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है अगर हम कहें कि हमारे पास दो डेटा सेट ऐसे हैं जिसमें से पहले डेटा सेट में उसका अर्थमेटिक मीन ज़्यादा है और दूसरे डेटा सेट में उसकी वेरिएबिलिटी कम है अर्थात अर पहले डेटा सेट का जो अर्थमेटिक मीन है दूसरे डेटा सेट के अर्थमेटिक मीन से ज़्यादा है लेकिन जो पहले डेटा सेट की जो वेरिएबिलिटी है वो भी ज़्यादा है दूसरे डेटा सेट से तो अब आप अर्थमेटिक मीन और वेरिएशन दोनों को एक साथ कंबाइन करके कोई अगर कंक्लूजन निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे अब सबसे पहला तो सवाल आपके दिमाग में आता है कि भला ऐसी हमारी कौन सी सिचुएशन होगी जहां पर हमको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है राइट right. आप मुझे ये बताइए आप लोगों ने अक्सर अपने समाज में या, या हमारे समाज में ये सुना होगा कि कोई एक आदमी है जो या कोई एक इंसान है जो कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में विदेश में जॉब कर रहा है और उसकी जो सैलरी है मंथली सैलरी एक लाख रुपए है और उसी इंसान के कैलिबर का उतनी ही उतना ही पढ़ा का आदमी अगर उसी जॉब को इंडिया में कर रहा है तो शायद उसकी से जो उसकी सैलरी मान ली कि पचास हजार है तो आप क्या कहते हो आप ये तो कहते हो अरे जो आदमी विदेश में काम कर रहा है उसकी सैलरी इंडिया वाले आदमी से इंसान से बहुत ज्यादा डबल है क्या यह कहना सही होगा या आपने देखा है कि बहुत जगह जब हमारे इंस्टीट्यूट्स में जो हमारे स्टूडेंट्स के जॉब प्लेसमेंट होती है तो अक्सर अखबारों में आता है उसका 20 लाख का पैकेज है उसका 25 लाख का पैकेज है और इत्यादि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं लेकिन कभी आपने उन लोगों से इस बात के बारे में पता किया कि उस इंसान की जॉब या उस स्टूडेंट की जॉब कहाँ पे लगी है भारतवर्ष में लगी है या कहीं बाहर किसी विदेश में लगी है क्यों इसका जवाब मैं भी आपको बताता हूँ आप ये बताइए कि जो मुझको सैलरी मिलती है उसको हम अपने जो भी हमारे डे टू डे के खर्चे होते हैं उनके ऊपर तो खर्च करते हैं और जो पैसा बच जाता है वो हमारी सेविंग होती है जनरली हमारे दिमाग में क्या बैठा होता है कि कोई इंसान जो भारत में रह रहा है और उसको अगर पचास रुपये तनख्वाह मिल रही है और वह उस तनख्वाह में से महीने में अगर वो दस हजार रुपये की सेविंग कर लेता है तो हम ये समझते हैं कि उसी का कॉन्टम्प्रेरी जो भी इंसान कहीं फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहा है किसकी तनख्वाह एक लाख रुपए है तो वो भी उतना ही पैसा खर्च करता होगा और उसने और जो भारत वाले आदमी ने पचास हजार में से चालीस हजार रुपये खर्च किए तो उसके दस हजार बच गए तो वहाँ का भी जो जो, जो भी इंसान जॉब कर रहा है वो अपने एक लाख में से चालीस हजार खर्च खर्च करता होगा और उसकी जो सेविंग है साठ हजार रुपये हो गई और यही एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है क्या ये कंफ्यूजन निकालना सही है कभी इसके बारे में सोचा है आपने और अगर नहीं तो मैं आपको आज एक का सोचने का तरीका बताता हूं आप मुझे ये बताइए आपका अगर कोई जानने वाला दोस्त नातेदार रिश्तेदार कोई भी अगर कहीं बाहर किसी अच्छे देश में काम कर रहा है आप उसको ये पूछिए कि उसके जो हर महीने का घर का रेंट कितना होता है हो सकता है कि जो इंसान भारत में रह रहा है उसके महीने का जो रेंट है दस हज़ार रुपये हो सकता है लेकिन अगर हम मान लीजिए अगर हम अमेरिकन डॉलर की भी बात अगर करते हैं तो आज के डेट में अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं तो एक लाख रुपए कितना होगा अगर हम मान लीजिए पचहत्तर रुपये के हिसाब से भी कन्वर्जन रेट अगर हम लगा देते हैं तो आपका 1200 1300 डॉलर हुआ यूएस डॉलर हुआ अब ये मुझे बताइए कि अमेरिका में अगर आपको जिस तरह का आपने घर भारत में लिया हुआ है वही अगर अमेरिका में लेना है तो आपको क्या लगता है कि दस हज़ार रुपये में आपने यहाँ पर घर ले लिया है अर्थात तो आपने 120 डॉलर के आस के आसपास से आपने घर ले लिया है कि आपको अमेरिका में भी 120 डॉलर का घर मिल जाएगा ऐसा तो नहीं होता हो सकता है कि वहां पे शायद जो घर का का जो किराया है आपका उतना ही हो जितना भारत में लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में जब आपने पचास और पचास हजार की तनख्वाह ली है तो आपने उसका ट्वेंटी परसेंट आपने घर के किराए में दे दिया तो उसी तरह से बीस से पच्चीस प्रतिशत तो वहाँ भी उसको खर्च करना पड़ेगा तो अगर उसको 1200 डॉलर अगर वो मिल रहे हैं तो उसमें से हो सकता है कि उसको शायद 400 डॉलर के आसपास घर के रेंट में देना पड़ेगा और परसेंटेज भी नहीं परसेंटेज से भी ज़्यादा है वो अब आप मुझे ये बताइए जब उसके 1200 डॉलर्स में से अगर 400 डॉलर इसी में खर्च हो गए तो उसके पास कितने डॉलर बचे और बाकी जो हमारे डे टू डे के खर्चे होते हैं खाने में ट्रांसपोर्टेशन में दवा में इत्यादि इत्यादि ये भी तो ख़र्चे हमारे उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं तो अब अगर अंत में आप देखेंगे कि जो इंसान विदेश में रह रहा है जिसकी शायद सैलरी 1200 यूएस डॉलर आपके भारतीय रुपयों के हिसाब से है और जिस इंसान की सैलरी इंडिया में भारत में रहकर के पचास हजार रुपए है क्या उनको हम कंपेयर कर सकते हैं हो सकता है कि भारत में रहने वाले इंसान की सेविंग ज्यादा होती हो राइट right. आप अक्सर सुनते हैं कि हम विदेश में जाते हैं तो वहां पे गोभी का फूल दो सौ रुपए का मिलता है ऐसा नहीं होता है दो सौ रुपए का तब होता है जब उसको हम अपने भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करते हैं लेकिन जब मुझको तनख्वाह विदेश में अगर डॉलर में या यूरो में मिल रही है तो क्या इसको भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करना ठीक है और ठीक अगर है तो अगर हम दोनों की कॉस्ट को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो क्या हम सिर्फ उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू उससे कंपेयर कर सकते हैं शायद नहीं हो सकता है अभी आप में से बहुत लोग भारत के बाहर शायद ना गए हों तो आपको यह उदाहरण समझने में उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आएगी मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं जो आपके डे टू डे लाइफ का है और यह उदाहरण मैंने पहले भी कई बार लिया है जब भी कभी आपको आपके इम्तहान में नंबर मिलते हैं मैंने आपको समझाया था कि जब सबसे पहले आप काम क्या करते हो जो आपका क्लास एवरेज आप उसके बारे में बात करते हो और आप अपने नंबर को उस क्लास एवरेज से आप कंपेयर करने की कोशिश करते हो अब मुझे यह बताइए कि अगर हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और हमारा क्लास एवरेज अगर 100 में से साठ नंबर रुपये आया है और अगर हमारे सारे के सारे स्टूडेंट के जो नंबर हैं 50 से की बीच में है एक तो ये सिचुएशन है और दूसरी सिचुएशन ये है कि सारे सारे स्टूडेंट्स के नंबर 10 से और 90 के बीच में हैं अर्थात पहली सिचुएशन में जो मिनिमम मार्क्स हैं वो हैं 50 और मैक्सिमम मार्क्स हैं 70। तो उनका भी जो एवरेज आपका साठ के आसपास आ जाएगा और दूसरी कंडीशन में क्या है कि हमारा जो मार्क्स का जो मिनिमम वैल्यू है वो है दस और मैक्सिमम वैल्यू है नाइन्टी उस वाले केस में भी जो आपका एवरेज वैल्यू मान लीजिए कि साठ के, के आसपास आ गई अब आपको क्या लगता है क्या ये दोनों डेटा सेट को कंपेयर करना ठीक है और किसी भी इंसान के अगर मान लीजिए पचास प्रतिशत नंबर अगर आए हैं तो क्या इन इन दोनों सिचुएशन में उसको क्या एक सी ही ग्रेड मिल जाएगी क्या उसको समान ग्रेड मिलेगी कभी सोचिए इसके बारे में और इसका उत्तर आपको भली बात ही पता है क्यों तो क्योंकि जहां पर आपके स्टूडेंट्स के नंबर 50 से 70 के बीच में आए हैं वहां पे आपको मालूम है कि कि नंबरों के बीच में वेरिएशन बहुत कम है और दूसरे केस में जहां पे नंबर हमारे 10 और 90 के बीच में आए हैं वहां पर वेरिएशन बहुत ज्यादा है तो किसी भी स्टूडेंट के अगर कुछ भी नंबर अगर आए होंगे उसकी बेसिस पर उसकी ग्रेड हो सकता है कि दोनों कंडीशंस में अलग अलग आ जाए और यह बात मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती ये बात आप बहुत भली भांति समझते हो और शायद इसीलिए जब आप उन नंबरों को लेकर के अपने माता पिता को बताने की कोशिश करते हो वो आपसे इसीलिए पूछते हैं कि ओके आपके क्लास में हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं या मैक्सिमम नंबर कितने आए ये तो पूछते हैं और या वो ये भी बोलते हैं कि मिनिमम मार्क्स कितने आए हैं और या अब आप, आप भी कभी कभी इस बात को बताने की कोशिश करते हो अरे हमारे 60% परसेंट नंबर आए हैं लेकिन हम बहुतों के तो 10% परसेंट और 20% परसेंट के बीच में नंबर आए हैं आप ऐसे ही तो कहते हो अपने आप को बचाने के लिए क्यों क्योंकि माँ तो माँ है आपके नंबर अच्छे आएंगे तो वो खुश होगी और अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो उसको खुशी तो नहीं होती है लेकिन आपको भी अपनी माँ का खौफ होता है तो उसके खौफ से बचने के लिए आप मीन और वेरिएशन दोनों का इस्तेमाल करते हैं मैंने भी किया है राइट right, आप मुझे यह बताइए ऐसी कंडीशन में क्या आपको लगता है कि सिर्फ खाली मीन और वेरिएशन और दोनों का अलग अलग इस्तेमाल करके आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं नहीं कायदे की बात तो यह है कि आपको मीन और वेरिएशन दोनों को एक साथ कंसीडर करना चाहिए चाहे आप अपनी माँ को खुश करना चाहें या ना करना चाहें लेकिन आपको तो ये मालूम होना चाहिए कम से कम कि हम अपने जीवन में सही फैसला कैसे कर सकते हैं और जो हमारे जीवन का सच है उसको एक्सेप्ट तो करें तो बस यही बात आज मैं आपको बताने वाला हूँ और आज में एक हमारा टूल होता है कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन जो इसी तरह की समस्याओं में को हल करने में हमारी सहायता करता है आज हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके बारे में आपने ये देखा कि अब आपको एक डेटा सेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है मीन वेरिबिलिटी क्वार्टाइल्स इत्यादि इत्यादि अगर आपको दो डेटा सेट को कंपेयर करना है तो आपको नहीं लगता कि इन सारी सारी चीज़ों को अगर हम एक साथ कंपेयर करें तो मुझको एक बेहतर कंक्लूज़न मिलेगा अगर अगर हम दो डेटा सेट के जो मीन हैं उनको कंपेयर कर सकें जो उनके जो उनकी वेरिएबिलिटी है उसको हम कंपेयर कर सकें जो उनके क्वार्टाइल्स हैं हम उनको कंपेयर कर सकें और अगर हर चीज़ अगर एक सी मिल जाती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों डेटा सेट हमारे मिलते जुलते हैं या वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं और इसके बारे में आपने बहुत बार अपनी जो डे टू डे की लाइफ में देखा होगा बहुत लोग कहते हो कि हैं आपसे कहते हैं कि अरे आपकी शक्ल तो उनसे मिलती है तो शक्ल मिलती माने क्या होता है अगर उस शक्ल में आँख भी मिलती होगी कान भी मिलते होंगे और हमारा माथा भी मिलता होगा या इस तरह के हमारे जो भी हमारे हम जो हमारी चेहरे पर भिन्न भिन्न अंग हैं अगर वो सब आपस में मिलते होंगे तभी तो दो चेहरे मिलेंगे क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आग खाली मिल रही है और बाकी फेस नहीं मिल रहा है तो क्या आप उसको मिलता जुलता कहेंगे नहीं तो इसी तरह की चीज़ को अपने अगर हम डेटा में करने की कोशिश करें तो कैसे करें तो उसके लिए हम आपको बताएंगे हमारे पास समरी कमांड होता है बॉक्स प्लॉट्स होते हैं हम उसको एनालिटिकली और ग्राफिकली दोनों एनालाइज कर सकते हैं राइट तो तो चलिए आज हम इस लेक्चर में इन्हीं सभी टॉपिक्स की बात करेंगे ओके okay, तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर की स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी यह आपको हमारे होम पेज से मिल जाएंगी और होम पेज पर जब आप आएंगे तो उसको आप वहाँ पर आपको स्वयं प्रभा नाम का एक लिंक मिल जाएगा और जब आप उसके अंदर आएंगे तो आपको अपने कोर्स के अंदर इस लेक्चर की और बाकी लेक्चर्स की स्लाइड्स पी फॉर्मेट में मिल जाएंगी ओके okay, तो चलिए हमारे होम पेज का एड्रेस क्या है ये भी मैं आपको बता बता दूँ हमारे होम पेज़ का एड्रेस है होम डॉट आई आई टी के डॉट ए सी डॉट इन बैक स्लैश गिल्डा एस एच एल ए बी बैक एस पी एस पी का मतलब स्वयं प्रभा और अगर आपको इस एड्रेस को याद करने में या नोट करने में दिक्कत हो रही है तो आप इस क्यू आर कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन के लिए करने के लिए आप अपने फ़ोन में अवेलेबल कोई भी अगर एक फ्री एप है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और यह ऐप आप आपको डायरेक्टली स्कैन करके इसी एड्रेस पर ले आएगा और अगर आपको यहाँ भी कोई समस्या आती है तो आप इंटरनेट के कोई भी सर्च इंजन में चले जाइए और सर्च इंजन में जाने के बाद में आप वहाँ पे हमारा नाम एस एच ए एल ए बी एच और साथ में हमारा जो इंस्टीट्यूट का नाम है आई आई टी कानपुर अगर आप टाइप कर देंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा होम पेज मिल जाएगा और इस होम पेज में आप स्वयं प्रभा के लिंक के अंदर जब आप आएंगे तो आपको इस कोर्स की सारी सारी, सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी राइट तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक टूल की कॉफिशियट ऑफ वेरिएशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सी वी सी वी में क्या है सी का मतलब हो गया कॉफिशेंट और वी का मतलब वेरिएशन तो यह जो हमारा कॉफिशियट ऑफ वेरिएशन है यह हमारा किसी भी डेटा सेट की वेरिबिलिटी को तो मेजर करता है लेकिन यह साथ में उसका जो अर्थमेटिक मीन की इंफॉर्मेशन है उसको भी यूज़ करता है और एक इसका एडवांटेज और है कि ये हमारा यूनिट फ्री होता है अर्थात जैसे आपने देखा कि अगर हमारे पास हाइट पर डेटा है तो जो हमारी अर्थमेटिक मीन होता है वो हाइट में आता है और अगर उसका जो वेरिएशन आता है वो हमारा सेव स्क्वायर में आता है लेकिन अगर हम इसको यूनिट फ्री अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑफ़ वेरिएशन हमारी सहायता करता है और यह उस डेटा की जो वेरिएबिलिटी है उसको ये बिना किसी यूनिट का और स्केल का इस्तेमाल करे बिना हमको यह करने की सुविधा देता है राइट right. और ये हमको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है कि अगर हमारे पास दो डेटा सेट हैं जिनको अलग अलग स्केल्स पर नापा गया है या जो दो हमारे अलग अलग सर्वे से आए हैं जो हमारे सर्वे होते हैं जहाँ पर हम डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं हो सकता है कि एक हमारा इंडिया में कलेक्ट किया गया है और एक हमारा किसी यूरोपियन या अमेरिकन कंट्री में, में सर्वे किया गया है तो दोनों जगह की कंडीशन अलग अलग होती है दोनों जगह के ख़र्चे अलग अलग होते हैं तो इसलिए दोनों की वैल्यूज़ भी अलग अलग, अलग आएंगी राइट right. तो अब अगर हम आपसे कहें कि अगर हमारे पास दो डेटा सेट हैं और दोनों के मैंने सैम्पल मीन निकाले एक का सैंपल मीन आ गया एक्स बार वन और एक आ गया एक्स बार टू और दोनों डेटा सेट में उनके स्टैंडर्ड डिविशन क्या आ गए एस वन और से एस टू और स्टैंडर्ड एरर आप कुछ भी नाम लीजिए अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड डिवीशन और स्टैंडर्ड एरर में क्या फ़र्क होता है राइट तो अब हमारे पास क्या हो गया पहला डेटा सेट हो गया जहाँ पर हमारा मीन है एक्स बार वन और इसका स्टैंडर्ड डिविजन है एस वन और दूसरा डेटा सेट क्या है जिसमें हमारा अर्थमेटिक मीन है एक्स बार टू और स्टैंडर्ड डिवीजन है एस टू या स्टैंडर्ड एरर है एस टू अब अगर मुझको इन दोनों डेटा सेट को आपस में कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर किया जाए तो उसके लिए हमारे पास एक सैंपल बेस्ड कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन को हम डिफाइन कर सकते हैं हमने सैम्पल बेस मैंने इसलिए कहा है क्योंकि सैम्पल का मतलब ये कि हम इस क्वांटिटी को अपना जो डेटा है जो हमको एक सैम्पल ऑफ डेटा दिया गया है उसकी बेसिस पर हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं तो अपने सैम्पल डेटा पर आधारित कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन को हम अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड एरर दोनों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि, कि ये हमारा कोफ़िशेंट ऑफ वेरिएशन सी वी इक्वल टू स्टैंड एरर डिवाइडेड बाई अथमेटिक मीन सो एस अपॉन एक्स बार राइट अब देखिए जब इस तरह की आप डेफिनेशन को लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको पता है जो आपका वेरियंस होता है सैम्पल वेरियंस ऐसे ये तो हरदम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा और जो आप इसका अगर स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालेंगे ये भी आपका ग्रेटर देन जीरो ही होगा ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है किसी एक्सट्रीम केस में तो अब आप, आप मुझे ये बताइए कि अगर हम दो डेटा सेट को कंपेयर कर रहे हैं और अगर उनके अर्थमेटिक मीन के जो हमारे सिंबल से अलग अलग अगर हैं तो क्या हो जाएगा क्यों क्योंकि जो एक्स बार है एक्स बार तो ज़ीरो से भी ज़्यादा भी हो सकता है ज़ीरो से कम भी हो सकता है और ज़ीरो के बराबर भी हो सकता है अर्थात ही पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो के बराबर भी हो सकता है राइट तो अगर हम दो डेटा सेट का अगर हम सी निकालते हैं जैसे हम कहते हैं यहाँ पर कि एस वन डिवाइडेड बाई एक्स बार वन इसको हमने कह दिया सी वी वन और सी वी टू में मैंने कह दिया एस टू अपॉन एक्स बार टू अब अगर हम दोनों को कंपेयर करना चाहें और अगर हमारे एक्स वन बार और एक्स टू बार के जो हमारे साइन अलग अलग हैं तो क्या हम उनको वेरबिलिटी के टर्म्स में कंपेयर कर पाएंगे बहुत कठिन होगा अगर हम कहें कि अगर कहीं पे हमारा टेम्परेचर दिया है पॉजिटिव में 35 डिग्री 31 डिग्री 32 डिग्री और यही अगर हमको माइनस भी दिया है माइनस थर्टी फाइव माइनस थर्टी वन माइनस थर्टी टू तो देखिए ये कहना कि आ, उन, उनको कंपेयर करना फिर ठीक नहीं रहेगा इसलिए इस कॉफिशेंट ऑफ़ वेरिएशन को हम सही तरीके से डिफ़ाइन करने के लिए ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेजर हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारा सैंपल मीन की वैल्यू पॉजिटिव होगी अर्थात ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो उससे क्या हो जाएगा कि अब हम इसमें से अपना जो सी वी वन और सी वी टू है उनको हम आराम से कंपेयर कर सकेंगे और हमारा नियम क्या होगा हमारा नियम यही होगा कि जिस डेटा सेट का कोफ़िशेंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है उसको हम कहेंगे कि उसके अंदर ज़्यादा वेरिएबिलिटी है और आप अगर ध्यान देने की कोशिश करें हमारे स्टेटमेंट तो खाली वेरिएबिलिटी के बारे में है लेकिन इस कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन को जब आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आप मीन और वेरिएंस दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर हम और साफ साफ शब्दों में कहें तो आप मीन और स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस दोनों का आप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं इसीलिए जो आपका कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन होता है ये आपकी उस डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशन दोनों को एक साथ कंबाइन करके नापने की कोशिश करता है और इसके द्वारा जो आपको वैल्यू मिलती है उसके अंदर मेजर ऑफ़ सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशन दोनों निहित होते हैं अब देखिए यहाँ पे हमें एक आपको छोटा सा उदाहरण लेते हैं जहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास दो भिन्न भिन्न डेटा सेट आते हैं तो कभी कभी उनसे हमको किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है और उस इंफॉर्मेशन को मुझको कैसे बाहर निकालना चाहिए कैसे मैंने यहाँ पे दो ग्रुप्स लिए हैं दो छोटे बच्चों के ग्रुप्स हैं जहाँ पर दो लोगों ने दो एक्सपेरिमेंटर्स ने उनकी हाइट नापी है और उसमें से जो पहला एक्सपेरिमेंटर है उसने हाइट नापी है मीटर में और दूसरा जो एक्सपेरिमेंटर है उसने उन्हीं बच्चों की हाइट नापी है सेंटीमीटर में और दोनों एक्सपेरिमेंटर ने उन ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डिवियशन दोनों निकाला है तो देखिए ये कुछ हमारी जो कंडीशन ऐसी है जो पहला एक्सपेरिमेंटर है उसने अपने डेटा सेट का, आ, का जो एवरेज हाइट निकाली है अर्थमेटिक मीन निकाला है वो आया है 1.5 पॉइंट मीटर्स और जो दूसरा हमारा एक्सपेरिमेंटर है उसने आ, जो हाइट निकाली है वो निकाली है 150 सेंटीमीटर और उसी तरीके से पहले एक्सपेरिमेंट experiment, एक्सपेरिमेंटर ने जो स्टैंडर्ड डिविजन निकाला है वो निकाला है जीरो पॉइंट थ्री मीटर्स और जो हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंटर है उसने निकाला है स्टैंडर्ड एरर थर्टी सेंटीमीटर अब ये बताइए जरा सा इन चार वैल्यूज़ को आप अगर देखने की कोशिश करिए तो आप क्या आप उसको कैसे कंपेयर करोगे आप अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो यहाँ पे वैल्यू है 1.5 और यहाँ पे है 150 तो 150 तो वन पॉइंट से बड़ी हो गई लेकिन आप अगर उसकी यूनिट की बात करोगे तो 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 150 सेंटीमीटर है और 1.5 मीटर है जो एक ही चीज़ होता है और उसी तरीके से आप अगर कहते हो कि वह डेटा सेट जिसकी वेरेबलिटी हमारी कम होगी हम उसको चूज़ करेंगे तो आप देखो कि पहले डेटा सेट की वेरेबिलिटी है 0.3 और दूसरे डेटा सेट की वेरिएबिलिटी है 30 तो इसका मतलब यह है कि पहले डेटा सेट की क्या वेरेबलिटी कम है आपको पहली बार में देख करके लगेगा लेकिन अगर आप उसकी यूनिट्स पर आओगे तो पहले डेटा सेट में दिया हुआ 0.3 जीरो पॉइंट थ्री मीटर्स और दूसरे डेटा सेट में दिया हुआ थर्टी सेंटीमीटर जो एक ही बात तो है अब ये बताइए ऐसी कंडीशंस में हम इनको कैसे कंपेयर करें कि ये वही वाली बात हो गई कि आपका जो दोस्त देश में रहता है वहाँ पे उसको हाउस रेंट जो भी देना पड़ता है या या उसकी लोकेलेटी में जहाँ पर वो रहता है वहाँ पे जो हर महीने उसको कितना रेंट देना पड़ता है हाउस का अपने हाउस रेंट और जो आपका दोस्त आप खुद भारत में रहते हो तो भारत में आपको उसी मोहल्ले में आपको जो हाउस रेंट कितना देना पड़ता है अगर हमको दोनों को कंपेयर करना है तो क्या फ़र्क है यहाँ पर जो भारत में है उसको सैलरी मिली है भारतीय रुपयों में और यहाँ पे जो हमारे हाउस है रेंट है ये भी हमारे भारतीय रुपयों में है और जो हमारा देश में है उसको अगर सैलरी यू एस डॉलर से मिल रही है अमेरिकन डॉलर में मिल रही है तो वहाँ का जो हाउस रेंट है वो हमारा अमेरिकन डॉलर में है या उसके अलावा हम आपको एक और भी उदाहरण दे सकते हैं कोई भारत में भी अगर कोई बड़े शहरों में रहता है तो वहाँ का हाउस रेंट और जो एक छोटे शहर में रहता है वहाँ का हाउस रेंट उसमें कुछ अंतर नहीं होता है लेकिन आप अगर ध्यान दें तो बड़े शहरों में लोग कहते हैं कि वहाँ पे लोगों की सैलरी भी ज़्यादा होती है और छोटे शहरों में लोग कहते हैं कि उनकी सैलरी कम होती है राइट लेकिन जो भी उसको सैलरी मिल रही है उससे उसको ख़र्चा तो वही करना पड़ रहा है जो इंसान चाहे भारत में रह रहा हो चाहे वो आ, किसी फॉरन कंट्री में रह रहा हो तो देखिए ऐसी कंडीशन में अगर आप दोनों का कॉफिशेंट और वेरिएशन निकालना चाहें तो देखिए क्या आएगा पहले केस में कॉफिशन वेरिएशन जीरो पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाई वन पॉइंट फाइव आ जाएगा जीरो पॉइंट टू और दूसरे केस में भी थर्टी अपॉन वन फिफ्टी आ जाएगा जीरो पॉइंट टू अब आप देख सकते हो कि दोनों केसेस में कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन आपका बराबर आ गया ना अर्थात कि दोनों डेटा सेट सेम है उनके अंदर वेरिएबिलिटी बराबर है आप किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो लेकिन जब आप पहली बार में देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि एस वन की जो वैल्यू है जीरो पॉइंट थ्री वो एस टू की वैल्यू से बहुत छोटी है राइट right, तो देखा ऐसी कंडीशन में आपको कोफ़िशेंट ऑफ वेरिएशन आपकी बहुत सहायता करता है राइट right, और इससे हमारा क्या होता है कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन हमारा जो आ, आ, दो अलग अलग डेटा सेट है जिनको हमने बिल्कुल एक अलग अलग स्केल पर नापा हुआ है या जो अलग अलग कंडीशन में हमने उसके हमने उसके ऊपर डेटा लिया हुआ है और उनकी डायमेंशन भी अलग अलग होती हैं तो यह कोफ़िशेंट ऑफ़ वेरिएशन उन वेरिएबल्स के बीच में जो भी हमारा स्केल है उसको ख़त्म कर देता है और साथ में जो उनके बीच का वेरिएशन है उसको निकालता है और ये दोनों डेटा सेट का जो वेरिएशन है उसको कंपेयर करने में हमारी सहायता करता है राइट right. जैसा हम एक उदाहरण और लें कि अगर हम मान लीजिए कि, कि किसी के कहें कि कोई भी मेट्रो सिटी में भारतवर्ष में जो मकान के रेंट होते हैं और एक किसी गांव के अंदर या किसी छोटी जगह पे चले जाएं तो वहाँ के रेंट कितने होते हैं दोनों में बहुत अंतर होता है लेकिन जब हम छोटी जगह पे आते हैं गांव के अंदर आते हैं तो वहाँ की जो सैलरी होती है वो भी हमारे जो बड़े शहर होते हैं मेट्रो सिटीज होते वहाँ से बहुत कम होती है राइट right. उसी तरीके से तो अगर हम कंपेयर कम, करें कि हमारे भारत में मुंबई सिटी में जो रेंट होगा और जो किसी से इंग्लैंड में लंदन सिटी में रेंट होगा दोनों में फ़र्क फर्क होगा जो हमारे भारत के रेंट है वो हमारे भारतीय रुपए के होंगे और जो लंदन के रेंट है वो हमारे पाउंड में होंगे तो ऐसी सिचुएशन में हम दो डेटा सेट को कैसे कंपेयर करें ये मेरी सबसे बड़ी समस्या है और, और इन्हीं जगह पर हमारा कॉपीशन ऑफ वेरिएशन हमारी सहायता करता है राइट तो अब हम ये मान लेंगे कि हम अपने डेटा सेट में कैसे फैसला करेंगे कोई भी डेटा सेट जिसमें कॉपिशन ऑफ वेरिएशन की वैल्यू ज़्यादा है उसके अंदर हम कहेंगे कि उसकी वेरिबलिटी ज़्यादा है और जिस डेटा सेट में कॉपिशन ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कम है उस डेटा सेट में हम हम कहेंगे कि वेरिएबिलिटी कम है और जब भी कभी हमको अगर दो डेटा सेट में से एक को चूज़ करना होगा तो हम कहेंगे कि जिस डेटा सेट में कॉपिशंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू छोटी है वो उसको हम चूज़ करने की कोशिश करेंगे उसको हम बड़े काफिशेंट ऑफ वेरिएशन वाले डेटा से प्रीफर करने की कोशिश करेंगे तो अगर हम कहें हमारे पास दो डेटा देट, सेट है और एक डेटा सेट में कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू है सी वन और अगले में है सी टू और अगर सी वन हमारा सी से ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि सी जिस डेटा सेट से कंप्यूट किया गया है उस डेटा सेट में जो वेरिएबिलिटी है वह दूसरे डेटा सेट से जहां से मैंने सीबी को निकाला है उस से उसकी वेरिएबिलिटी से ज्यादा है या जिस डेटा सेट में वेरिएबिलिटी ज्यादा है उसका मतलब वहां पे कंसंट्रेशन कम है और जहां पर वेरिएबिलिटी कम है वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है राइट right. ओके okay. तो देखा ये ये हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा सा है लेकिन अगर हम इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को कोई सॉल्व कर सकता है तो अब अगर इसी चीज़ को अगर हम कहें कि आपको आर में कंप्यूट करना है तो आर में इसको कंप्यूट करने के लिए आपके पास कोई डायरेक्ट कमांड नहीं लेकिन आपको खाली क्या निकालना है खाली मीन और स्टैंडर्ड डिवेशन तो उसके तो कमांड आपको पता ही है तो इसीलिए हम आर में जब अपने कॉपरेशन और वेरिएशन को निकालते हैं तो हम कर देते हैं एक कोई अगर हमारा डेटा वेक्टर है एक्स तो हम उसका स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल देंगे तो हमको उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा और उसको अगर हम मीन ऑफ एक्स से हम भाग दे देंगे तो हमको उसका जो भी मीन है एक्स बार ये मिल जाएगा राइट right. तो हम इस कमांड से अपना कॉपिशन ऑफ वेरिएशन निकाल लेते हैं और अगर मान लीजिए हम कहें कि आपके डेटा सेट में कोई वैल्यू इसिंग है तो मिसिंग में क्या करना है आपको अब आपको दोनों पता है कि अगर हमारे रिलेटेड डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है तो हम मीन को कैसे निकालते हैं और हम वेरियंस को कैसे निकालते हैं राइट right. जब आप वेरियंस को निकालते हो तो आप क्या करते हो अगर आपके डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू उसको आपने अगर इंडिकेट कर दिया एक्स एन ए वैक्टर से तो आप उसका वेरियंस निकालोगे साथ में यूज़ कर लोगे एन ए डॉट आर एम इज इक्वल टू ट्रू और अगर मीन निकालना चाहोगे तो क्या करोगे मीन ऑफ एक्स एन ए और यहाँ पर आप लिख दो एन ए डॉट आर एम इज इक्वल टू ट्रू राइट right. और दोनों का आप प्रपोशन निकाल दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो जैसे देखिए ये वाली इंफॉर्मेशन या ये जो कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन मैंने अनग्रुप डेटा के लिए किया हुआ इसी तरीके से आप ग्रुप डेटा के लिए भी कर सकते हैं अब आपको पता है कि ग्रुप डेटा में में हम मीन और वेरियंस कैसे निकालते हैं राइट right. तो चलिए अब हम एक छोटा सा एक उदाहरण करते हैं और आपको करके दिखाते हैं कि हम अपने कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन को कैसे कंप्यूट करेंगे तो देखिए ये वही उदाहरण है जो आपने पहले भी कई बार किया है हमारे पास 20 पार्टिसिपेंट हैं और जिनको मैंने आ, आ, उन्होंने एक रेस में पार्टिसिपेट किया और ज, और उस रेस को पूरा करने में उनको कितना समय लगा है उसको मैंने नोट किया है और उनके समय को मैंने टाइम वेक्टर में सेव कर लिया है अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है स्क्वायर रूट ऑफ़ वेरियंस ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई मीन ऑफ टाइम अगर आप ये कर दोगे तो आपको देखिए इसका कॉफिशन ऑफ वेरिएशन मिल गया पॉइंट थ्री जीरो ज़ीरो करके राइट right, अब जरा सा हम इसको पहले अपने आर्क कंसोल में हुए भी करके हम देख लेते हैं एक बार तो सबसे पहले हम अपने इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं राइट right, देखिए हो गया टाइम डेटा आपका यह हो गया अब आपने क्या किया आपने इसका निकाला स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय मीन ऑफ टाइम देखिए वैल्यू आ गई और अगर इसमें अगर आपको एन वैल्यू भी लेनी है तो उसको भी आप आराम से निकाल सकते हो उसमें तो आप कोई समस्या की बात नहीं है राइट right. कैसे मान लीजिए हम उसी डेटा वेक्टर में क्या करते हैं हम उसी डेटा वेक्टर में जो हमारी पहले की दो वैल्यूज़ हैं हम उनको एन एन कर देते हैं और जो हमारा नया डेटा वेक्टर आया उसको उसका मैंने नाम दे दिया टाइम डॉट एन तो देखिए मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज हमारी एन ए हो गई और यहाँ से मैंने स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ टाइम डॉट एन ए और इसमें एन ए डॉट आर एम एक्ल टू ट्रू और मीन टाइम डॉट एन ए और एन ए डॉट आर एम एक्ल टू ट्रू इस कमांड को यूज़ कर लिया तो देखिए आपका यहाँ पर आपका कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन निकल आएगा राइट तो चलिए इसको भी जरा राइट तो देखिए हम इस कमांड को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और आपका देखिए जो टाइम डॉट एन ए डेटा वेक्टर देखिए यही तो है और यहाँ पे हम अपना कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेते हैं ये देखिए वैल्यू आ गई 0.27 इत्यादि करके तो अब आप देख सकते हो कि कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन निकालना आपके लिए बहुत ही आसान काम है और इसमें कोई समस्या नहीं है और यहाँ पे देखिए मैंने इसका स्क्रीन भी दिया हुआ है जो ऑपरेशन अभी आपने आर कंसोल में किया है वही तो देखिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ओके चलिए अब हम कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन के बाद में एक बात और करते हैं कि अगर मुझको दो डेटा सेट को कंपेयर करना है तो आपको नहीं लगता कि जो हमारे दो डेटा सेट की करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम आपस में एक साथ कंपेयर करें जैसे कि दो डेटा सेट की जो मिनिमम वैल्यू हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू हैं उनका अथमेटिक मीन है फर्स्ट क्वार्टाइल है सेकेंड क्वार्टाइल मीडियन है थर्ड क्वार्टाइल इत्यादि इनको अगर हम एक साथ अगर कंपेयर करने की कोशिश करें तो आपको नहीं लगता है कि हमको अपने डेटा सेट के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी या आपने अभी तक अपने डेटा में जो भी सेंट्रल टेंडेंसी है वेरिएशन है इसको आपने अलग अलग कमांड्स को यूज़ करते हुए निकालने की कोशिश करी है अब अगर हम आपको कोई एक ऐसा कमांड दे दें कि ये भिन्न भिन्न इन्फॉर्मेशन हमारी एक साथ निकल आती है तो ये तो बहुत ही सहायक होगा हमारे लिए राइट तो हमारे पास एक कमांड होता है समरी कमांड एस यू डबल एम ए आर वाई और ये जो हमारा समरी कमांड होता है इसको अगर हम किसी डेटा वेक्टर के ऊपर एक्स के ऊपर अगर हम ऑपरेट करेंगे तो यह हम उसको उस डेटा सेट की मिनिमम मैक्सिमम मीन फर्स्ट क्वार्टाइल सेकेंड क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल क्वाटाइल के बारे में एक साथ इंफॉर्मेशन दे देता है राइट तो चलिए हम उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं जो भी आपने इस्तेमाल किया है और जहाँ पे हमारे पास 20 पार्टिसिपेंट हैं जो उन्होंने एक एक रेस में हिस्सा लिया और उन्होंने उस दौड़ को पूरा करने में जितना भी समय लगाया है उसको नोट किया गया और उसका जो समय का है उसको मैंने एक डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया उसका नाम है टाइम तो मैंने यहाँ पे कर दिया समरी टाइम तो आप देखोगे यहाँ पे आपको इस तरीके का आउटपुट मिल जाएगा पहली वैल्यू क्या है ये आपकी मिनिमम वैल्यू है उसके बाद क्या है फर्स्ट क्वार्टाइल है उसके बाद क्या है मीडियन है उसके बाद है मीन उसके बाद थर्ड क्वार्टाइल और उसके बाद है मैक्सिमम वैल्यू राइट तो आपने देखा आपको यहाँ पर ये यह छः वैल्यू हैं जो एक साथ आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं और इसके पहले जब आपने किया है तो आपने इसको अलग अलग तरीके से किया है राइट right, अब आप अभी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में भी आपको हम बताएंगे कि आप देखिए इन चीज़ों को देख करके आप बहुत सारी बातें आप निकाल सकते हो राइट right, कि अगर आपको मीन और मीडियन की वैल्यू अगर आपको एक सी लग रही है या अगर आसपास लग रही है तो आप ये एज्यूम कर सकते हो कि आपका जो इनका फ्रीक्वेंसी कर है वो कुछ कुछ सिमेट्रिक तरीके का हो सकता है या इस तरीके की बातें आप और भी देख सकते हो राइट right? आप मिनिमम और मैक्सिमम की इनको दो दोनों की वैल्यू का अंतर देख करके आप इसमें इस डेटा की रेंज निकाल सकते हो राइट right? आप अगर रेंज निकाल सकते हो इसी तरीके से आप फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल को आप कंपेयर करके आप यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन या जो आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाली थी आप उसको निकाल सकते हो राइट इस तरह के हमारे पास भिन्न भिन्न ऑपरेशनस हम यहाँ पर कर सकते हैं और उसके द्वारा हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम एक साथ निकाल सकते हैं राइट आपको हम बाद में दिखाएंगे कि अगर आप कोई भी अगर आपका ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व है इस तर, तरीके का अगर है कि एक और डेटा बहुत ज़्यादा है या या एकोडेटा बहुत कम है तो इसके बारे में भी आप जो अपना मीन मीडियन और मोड की वैल्यू को निकाल करके आप निकाल सकते हो ओके okay, तो देखिए इस तरह की जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो उनको हम भिन्न भिन्न तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं ओके okay, और इससे हमको तरह तरह के कंकलूजन्स मिल जाते हैं तो चलिए आगे बढ़ने के पहले हम जरा सी इस कमांड को हम आर कंसोल पर भी करके देख लेते हैं देखिए टाइम का डेटा आपने अभी स्टोर किया था ये आपके पास पहले से है आपने यहाँ पे कर दिया समरी टाइम देखिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई देखिए पहली रो में दिया हुआ है कि ये मिनिमम वैल्यू क्या है फर्स्ट क्वार्टर क्या है मीडियम क्या है मीन क्या है थर्ड क्वार्टर क्या है मैक्सिमम क्या है और उन्हीं के नीचे जो उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी लिखी हुई है तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पर आप आराम से आप को, कोई भी डेटा सेट में से आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन को आप एक ही कमांड में आप निकाल सकते हो और ये देखिए इसका ये स्क्रीन शॉट है जो भी मैंने आपको करके दिखाया है ये यही चीज़ तो आ, आ, आपने अभी करी है जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है ओके okay, चलिए अब हम आपको एक और चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल उसी चीज़ पे है जैसा भी आपने किया है जैसे आपने देखिए अभी अपने समरी कमान में डिफरेंट में तरीके की चीज़ हैं मीन है मीडियन है क्वार्टाइल क्वार्टाइल्स हैं मिनिमम है मैक्सिमम है, है इसकी आपने न्यूमेरिकल वैल्यू देखने की कोशिश करी आपने उसको एनालिटिकली देखने की कोशिश करी अब क्या इसी चीज़ को अगर हम ग्राफिकली देख लें तो आपको नहीं लगता कि हमको बहुत सी इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाएगी तो इसी इंफॉमेशन को अगर हम ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करें तो हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं बॉक्स प्लॉट बॉक्स प्लॉट एक हमारा ऐसा ग्राफ होता है एक ऐसा ग्राफिक होता है जो हमारा मीडियन क्वार्टाइल्स मिनिमम मैक्सिमम को एक साथ देता है और यह अपने डेटा का जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको ये ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करता है और, और इसके द्वारा भी हमको जो दो भिन्न भिन्न डेटा सेट होंगे या जो एक अलग अलग डेटा सेट भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं उनको हम आपस में कंपेयर बहुत आसानी से कर सकते हैं तो चलिए जरा सा पहले हम उसको समझ लें कि हमारा बॉक्स प्लॉट कैसा होता है और उसमें से क्या क्या इंटरप्रटिशन होते हैं देखिए बॉक्स प्लॉट जैसा मैंने आपके सामने पिक्चर बनाई है ऐसा होता है इसमें देखिए बीच में एक ही होता है आपका बॉक्स होता है इसीलिए इसको बोलते हैं बॉक्स राइट right, अब इसमें से देखिए हम नीचे से चलते हैं नीचे देखिए एक लाइन बनी हुई है ये देखिए ये ये क्या है ये हमारे डेटा की जो मिनिमम वैल्यू है उसके बारे में बता रही है राइट उसके बाद आप जब इसके ऊपर आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे एक लाइन देखिए ये बनी हुई है ये लाइन हमको इस डेटा का फर्स्ट क्वार्टल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा और इसके ऊपर जब हम आएंगे तो देखिए एक यहाँ पे बीच में लाइन बनी हुई है देखिए ये जो हमको इस डेटा का जो सेकेंड क्वाटाइल है या जो मीडियन है उसके बारे में बताएगा और जब हम उसके ऊपर आएंगे हम जब यहाँ पे तो ये जो लाइन हमारी है ये हमारी थर्ड क्वार्टाइल की लाइन है और ये हम उसको उस डेटा के थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू के बारे में बताएगा और जब हम इसके ऊपर सबसे ऊपर आएंगे हम तो सबसे ऊपर हमारे पास ये जो लाइन बनी हुई है ये हमको उस डेटा की मैक्सिमम वैल्यू को बताएगा अब देखिए इस डेटा सेट से अगर आप भिन्न भिन्न तरीके की इंफॉर्मेशन को इस ग्राफिकल ग्राफिक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन नहीं था उसको कैसे बाहर निकालेंगे अब देखिए ये जो आपका सेकेंड क्वाटाइल क्या है ये तो आपका क्या है मीडियन ये आपको डेटा सेट की जो सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बता रहा है और ऐसे अगर आपको इस डेटा सेट की वेरिबिलिटी के बारे में देखना है तो अगर आप देखिए ये जो मिनिमम और मैक्सिमम के जो बीच की दूरी को आप अगर लेंगे तो ये क्या दे देगा आपको रेंज दे देगा राइट right. और उसी तरीके से आप अगर फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के बीच की आप अगर बात करोगे तो आपको ये इंटर क्वार्टाइल रेंज या जो क्वार्टाइल डिविशन है उसके बारे में आइडिया दे, देगा राइट right. उसके साथ ही आप अगर थर्ड क्वार्टाइल और सेकंड क्वार्टाइल के बीच की दूरी या सेकेंड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच की आप अगर दूरी को कंपेयर करेंगे तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन देगा कि उस फ्रीक्वेंसी कर्व में डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन के दोनों ओर सिमेट्रिक है या वह अलग अलग है राइट right. उसके बाद आप अगर देखेंगे कि मिनिमम और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच में देखिए कि डॉटेड लाइन बनी हुई है राइट right. और ऐसी उसी तरीके से आप अगर देखेंगे कि थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम के बीच में भी एक डॉटेड लाइन बनी हुई है तो ये मैं आपको कुछ उदाहरण लेकर के ये बताऊंगा कि अगर ये दो मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू में अगर बहुत ज़्यादा अंतर होता है या वो जो भी हमारे फर्स्ट क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल से अगर बहुत दूर होते हैं तो ये ग्राफिक आपको वहाँ पर इस तरह के कुछ पॉइंट्स दिखा देगा और जहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके डेटा सेट में कुछ ऐसे ऑब्जरवेशनस हैं जो बाकी वैल्यू से बहुत दूर हैं राइट right. तो चलिए हम उसको एक समझने की कोशिश करते हैं लेकिन इसके पहले जरा से हम ये भी समझ लें कि इस बॉक्स प्लॉट को हम अपने आर सॉफ्टवेयर में कैसे तैयार करेंगे यह देखिए बहुत ही आसान काम है हमारा कमांड होता है बॉक्स प्लॉट बी ओ एक्स पी एल ओ टी और पैरथिसिस में हम अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे और जहाँ से हमको ये किसके ऊपर हमको ये बॉक्स प्लॉट तैयार करना है अब उसके वाला आप अगर उसके हेल्प में देखोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप इस बॉक्स प्लॉट को और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे यही वाला डेटा लिया है जो आपने अभी यहाँ पर लिया है कि आपके पास बीस पार्टिसिपेंट इन्होंने रेस में पार्टिसिपेट किया है और उनके टाइम जो भी हैं जो आपने टाइम डेटा वैक्टर में आपने उनको स्टोर किया हुआ है तो अगर आप देखिए टाइम डेटा वेक्टर के आप अगर यहाँ पे बॉक्स प्लॉट बनाने की कोशिश करते हो तो देखिए आपको कुछ ऐसा यहाँ पे बॉक्स प्लॉट मिल जाएगा और अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करिए अगर हम कहें ये हमारी मीडियन अगर है तो ये देखिए कहाँ है फिफ्टी फाइव के ऊपर हमको दिखाई पड़ रहा है और अगर आप इसी चीज़ को आप अगर यहाँ से देखने की कोशिश करें अपने अपने समरी कमान से तो देखिए क्या है ये मीन आपका ये हो गया और मीडियन और आपकी फिफ्टी हो गई राइट right. तो देखिए ये आपको यहाँ पर इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे इसकी अगर आप जो मिनिमम है मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू आप अगर इसको देखिए मिनिमम कितनी हैं आपकी थर्टी टू है मैक्सिमम है एटी फोर फर्स्ट क्वार्टाइल फोर्टी वन थर्ड क्वार्टाइल सिक्सटी एट तो यही तो देखिए आपको वैल्यू यहाँ पर मिल रही है आप अगर यहाँ पर इनको देखने की कोशिश करिए तो राइट right, तो बॉक्स प्लॉट से यही आप आ, आ, बात होती है कि आपको इन चीज़ों को देख करके आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है लेकिन यह हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी तब होते हैं जब हम दो भिन्न भिन्न डेटा सेट्स को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं राइट right. तो हम एक काम करते हैं आपको उदाहरण कहने के लिए मैंने क्या किया जो आपका यहाँ पे टाइम डेटा वेक्टर था यहाँ पे शुरू के दो ऑब्जर्वेशन को मैंने कुछ चेंज कर दिया और मैंने देखी यहाँ पे वैल्यू थी 32, 35 मैंने उसको कर दिया 320 और 350 बिल्कुल आगे कर दी बहा दिया उसको बहुत ज़्यादा और फिर से मैंने इसका बॉक्स प्लॉट बनाने की कोशिश करी तो देखिए कैसा बन गया और इस डेटा वेक्टर को मैंने स्टोर कर दिया टाइम वन के अंदर और जब इसका मैंने यहाँ पे बॉक्स प्लॉट बनाने की कोशिश करी तो देखिए आपको कुछ ऐसा बॉक्स प्लॉट बन गया अब आप यहाँ पे देख रहे हो आपको देखिए ये दो कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जो आपको मैं कह रहा था ना कि मैं आपको आपको उदाहरण लेकर के बताऊँगा कि इन ये जो डॉट टू क्वार्टर लाइन है ये तो आपको मिनिमम वैल्यू और क्वार्टल्स के बीच की दूरी बता रहे हैं लेकिन ये दो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं और ये देखिए यहीं कहीं है ये थ्री ट्वेंटी के आसपास तो ऐसे पॉइंट जो होते हैं ना ये आपको डेटा में देखिए सबसे पहली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपके डेटा में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो बाकी डेटा वैल्यू से बहुत दूर है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये पॉइंट हमारे खराब हो सकते हैं ये पॉइंट हमारे उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा भी हो सकते हैं लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी से मिस्टेक हुई हो कि हमने एंट्री करना चाह थर्टी टू थ्री फिफ्टी और थर्टी फाइव लेकिन हमसे गलती से एंटर हो गया थ्री ट्वेंटी और थ्री फिफ्टी ऐसा भी हो सकता है तो ये जो बॉक्स प्लॉट है आपको खाली इतना दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट ऐसे हैं और जो बाकी डेटा से बहुत अलग है और यहाँ पर आप यहाँ पर आपका अटेंशन नीडेड है अटेंशन रिक्वायर्ड राइट देखिए अगर आपको ऐसी सुविधा अगर मिल जाए कि आपके पास कोई अननोन डेटा सेट आता है और उसको आपको ग्राफिक देख करके ये पता चल जाए कि उसमें कौन कौन से ऐसे डेटा सेट हैं जिनको हम जहाँ पर हमारा अटेंशन चाहिए तो आप उनको जा के देख सकते हो राइट और ये जो बातें हैं ना ये सब हमारा एक प्रोसेस होती है डेटा क्लीनिंग मतलब जब डेटा आता है हम उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं तो उसका ये हमारा हिस्सा भी होता है अब अगर मान ली हम अपने टाइम और टाइम वन के दो डेटा सेट को आपस में अगर कंपेयर करना चाहें तो देखिए कैसा है मैंने यहाँ पे देखिए दोनों बॉक्स प्लॉट को मैंने एक साथ बगल बगल प्लॉट कर दिया है हाँ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अगर आपको दोनों को एक साथ एक ही ग्राफिक में लेना है तो कैसे लेंगे लेकिन इनको आप देखिए साइड बाय साइड कंपेयर करके आप ये बता सकते हैं कि देखिए दोनों की जो मीन वैल्यू ये तो बराबरी है ऑलमोस्ट लेकिन आपको यहाँ पर जो इनके स्केल है ना इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा राइट उसी तरीके से आप इनकी जो मीडियम वैल्यू हैं आप उनको कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल्स और जो थर्ड क्वार्टाइल को आप कंपेयर कर सकते हैं जो उनकी मैक्सिमम वैल्यू हैं आप उनको कंपेयर कंपेयर कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको दो डेटा सेट को ग्राफिकली कंपेयर करने का एक यहाँ पे बहुत अच्छा मेथड पता चल गया राइट right. अब हम क्या करें इन दोनों डेटा सेट को जब मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है ना बॉक्स प्लॉट को तो उनको मैंने अलग अलग लेकर के यहाँ पे कॉपी कर दिया है लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कि अगर आपको इसको एक ही जगह पे प्लॉट करना है तो आप कैसे करोगे लेकिन उसके पहले जरा मैं आपको इसको मैं आपको आर्क कंसोल में करके दिखा दूँ राइट right. तो चलिए पहले हम अपने यहाँ पे ग्राफ बनाने की जगह भी बना लें तो देखिए टाइम तो आपके पास डेटा पहले से है तो मैंने यहाँ पर कर दिया बॉक्स प्लॉट टाइम देखिए ये बन के आ गया और अब देखिए जो आपका टाइम डेटा था इसमें आपने इसको 35 को कर दिया 350 और बत्तीस को कर दिया 320 आपने उसको नाम दे दिया टाइम वन अब देखिए मैंने आपको बॉक्स प्लॉट मैंने यहाँ से फिर से तैयार कर दिया अब देखिएगा इसमें इसमें कैसा परिवर्तन आता है देखिए आ गया राइट right. तो देखिए आपने बॉक्स प्लॉट बनाना भी सीख लिया और ये बहुत आसान काम है अब मैं आपको एक काम करता हूँ अगर ये इन दोनों बॉक्स प्लॉट को अगर आपको साइड बाय साइड अगर रखना है जैसे आपने देखा यहाँ पे आपको समस्या आ रही है कि दोनों के स्केल फर्क है अरे तो अगर इसको हम एक ही अगर ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करें तो ये हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा तो उसके लिए क्या है हमको अपने डेटा सेट को डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में करना पड़ेगा राइट आपको ये मालूम है कि डेटा फ्रेम क्या होता है और हम अपने जो हमको डेटा दिया होता है वहाँ से हम डेटा फ्रेम कैसे तैयार करते हैं तो डेटा फ्रेम को को जब हम तैयार करने के बाद में अगर हम बॉक्स प्लॉट बनाएंगे तो हमारा वहाँ पे ग्रुप बॉक्स प्लॉट बन करके आ जाएगा राइट right, तो अगर हमारे पास मान लीजिए तीन डेटा वैक्टर हैं सपोज एक्स वाई और जेड तो हम उसमें से उसका डेटा फ्रेम अपना तैयार कर सकते हैं डेटा डॉट फ्रेम और ब्रैकेट में पैरेंटिस में लिख देंगे एक्स कॉमा वाई कामा जेड और जब हम इस अपने इस डेटा फ्रेम का जब हम बॉक्स प्लॉट बनाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ग्रुप बॉक्स प्लॉट बन जाएगा अब इसमें से चलिए हमने जो अभी डेटा सेट लिए हुए हैं टाइम और टाइम वन हम उन्हीं पर हम काम करते हैं तो देखिए टाइम का आपका जो कैटा सेट था, था और टाइम वन का डेटा सेट उसमें क्या फ़र्क है ये जो थर्टी टू थर्टी फाइव है इसको मैंने थ्री ट्वेंटी और थ्री फिफ्टी कर दिया है और यहाँ से मैंने एक डेटा फ्रेम बना लिया डेटा डॉट फ्रेम टाइम कॉमा टाइम वन और इसको मैंने नाम दे दिया डेटा बॉक्स प्लॉट अर्थात बॉक्स प्लॉट का जो हमारा डेटा है ये राइट अब देखिए यहाँ से जब इसको मैंने बॉक्स प्लॉट बनाने की कोशिश करी तो देखिए कैसा आ गया देखिए आपको इस तरह की पिक्चर आ गई और यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कुछ दो डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जो कुछ कुछ हो रहा है यहाँ पे कुछ समथिंग इज रॉन्ग और ये आपका स्केल भी देखिए आपका एक ही आ गया और बाकी आप देख सकते हो बाकी जो आपका बचा हुआ डेटा है देखिए दोनों तो के बॉक्स प्लॉट ऑलमोस्ट आपको मिलते जुलते लग रहे हैं और ये तो आपको मालूम भी होना चाहिए क्यों क्योंकि समस्या तो आपने अपने हाथ से क्रिएट करी है ना कि थर्टी को आपने कर दिया 320 और 35 को कर दिया आपने 350 तो देखिए जो डेटा के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन थी वही इन्फॉर्मेशन तो बाहर आ गई वह आपको यही तो बता रहा है कि आपके दोनों डेटा सेट को जब आप कंपेयर करना चाहोगे तो कोई दो पॉइंट ऐसे हैं जो बाकी बाकी पॉइंट से बहुत अलग हैं लेकिन बाकी जो आपका डेटा सेट है वो तो आपस में बहुत ही मिलता जुलता है और वो सही बात है आपका डेटा सेट में बीस में से 18 वैल्यूज तो कॉमन है तो अब आपने देखा कि आपको जो भी देखिए यहां पर डेटा सेट में आपने इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी है वही तो आपको आपका डेटा सेट देखिए रहा है राइट तो अब हम जरा सा इस डेटा सेट को जरा सा हम यहां पर बनाने की कोशिश भी करते हैं राइट तो देखिए हमारे पास डेटा हमारे पास दोनों है ये आपका देखिए है टाइम चलिए मैं इसको क्लियर कर लूँ ये आपका है टाइम और ये देखिए आपका है टाइम वन तो अब आप यहाँ पे अब आप एक डेटा बना लेते हैं डी वन इज इक्वल टू डेटा डॉट फ्रेम और ब्रैकेट में आप कर देते हो टाइम और कॉमा टाइम वन राइट तो आपका ये डेटा फ्रेम देखिए बन गया डी वन राइट अब आप क्या करते हो आप यहाँ बनाते हो बॉक्स प्लॉट कहाँ का डी वन का जो आपका डेटा फ्रेम है और देखिए आपका डेटा फ्रेम बन के आ गया राइट। आप आपने देखा कि ग्रुप बॉक्स प्लॉट भी बनाना तो बहुत ही आसान काम है डेटा फ्रेम के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं और यही तो देखिए आपका आपका स्क्रीन है जो आपने अभी यहाँ पर करने की कोशिश करी है ये जो आपने अपना डेटा फ्रेम बनाया है, इसका स्क्रीन हो गया और जब आप उसके आप इसका बॉक्स प्लॉट बनाएंगे तो देखिए आपको ऐसा बॉक्स ऐसा ग्रुप बॉक्स प्लॉट मिल जाएगा चलिए अब हम आपको सबसे अंत में जिस सवाल को मैं आपसे बहुत बार पूछ चुका हूँ उसका आज मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ देखिए अब हमारे पास कोई हमारे दो अलग अलग इम्तहान हुए हैं और वहाँ पे दस स्टूडेंट के जो नंबर आए हैं उन भिन्न भिन्न इम्तहानों में उनको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो जो एक हमारा डेटा सेट है वो उसका मैंने नाम दे दिया मार्क्स वन और दूसरा डेटा सेट हमारे दे दिया मैंने मार्क्स टू अब हम इन दोनों डेटा सेट के दोनों के जो नंबर हैं उनको हम आपस में कंपेयर करना चाहेंगे राइट right. और इसको कंपेयर करने के लिए हम इसका बॉक्स प्लॉट बनाने की कोशिश करेंगे तो मैंने देखिए ये मार्क्स वन और मार्क्स टू का मैंने यहाँ पे डेटा फ्रेम तैयार कर लिया और ये इसका स्क्रीनशॉट है और इसका देखिए मैंने ये इसका मैंने बॉक्स प्लॉट तैयार कर लिया अब इसमें से आप देख सकते हो दोनों बॉक्स प्लॉट को देख करके कि दोनों क्लास में जो मिनिमम मार्क्स में कुछ फ़र्क है कि नहीं है मैक्सिमम मार्क्स दोनों के हमको बराबर आ, लग रहे हैं यहाँ पर राइट right, लेकिन जो उसकी मीडियम वैल्यू है एवरेज वैल्यू में मैं देखिए फ़र्क है दूसरे मार्क्स टू में में जो एवरेज वैल्यू ज़्यादा आई है लेकिन आप अगर देखेंगे कि, कि जो जो दूसरा डेटा सेट है वहाँ पे वेरिएबिलिटी भी ज़्यादा है चाहे आपकी रेंज की बात करें या हम आपकी जो क्वार्टाइल डेविशन या हम इंटर क्वाटाइल डेविशन की बात करें ये तो देखिए दूसरे डेटा सेट में ज़्यादा है राइट right. तो देखिए हम आपको सबसे पहले तो जरा सा हम आपको ये अपने आप, आपके आर कंसोल में करके आपको हम दिखा दें कि आप इस तरह के बॉक्स प्लॉट कैसे तैयार करोगे तो मैं दोनों ये जो हमारा डेटा सेट है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ सो देट कि आपको साफ साफ दिखाई पड़ना चाहिए तो ये हमारा हो गया डेटा मार्क्स वन और दूसरा हमारा डेटा हमारा हो गया मार्क्स टू राइट right. और उसके बाद मैंने इसका डेटा फ्रेम तैयार कर लिया और तो ये हमारा डेटा फ्रेम क्या हो गया डेटा मार्क्स तो आप ये देख सकते हो कि डेटा मार्क्स देखिए आपका ये तैयार हो गया अब आपने यहाँ पे कर दिया बॉक्स प्लॉट्स बॉक्स प्लॉट है का डेटा मार्क्स ये देखिए ये आपको देखिए बॉक्स प्लॉट बन के आ गया राइट right. तो अब आपने देखा कि जो भी आपका बॉक्स प्लॉट है ये आपको कितनी यूज़फुल इंफॉर्मेशन देता है और जिन तरह के सवालों का हम शुरू से हम आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उस तरह के बहुत सारे सवालों का जवाब आपको बॉक्स प्लॉट से मिल जाएगा जो आपको सेंट्रल कैंडनसी के बारे में वेरिएशन के बारे में इत्यादि के बारे में एक साथ आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है राइट right. अब मुझे ये बताइए आपके जब नंबर आते हैं और आप जब घर में पहुंचते हैं तो जब आपकी आपसे ये कहती है कि बाकी लोगों के नंबर कैसे आए ये तो गनीमत है कि शायद माँ को बॉक्स प्लॉट के बारे में नहीं पता था वरना वो आपसे सबसे पहले यही कहती कि आपके क्लास में जो नंबर आए हैं और आपके बाकी सेक्शन में जो नंबर आए हैं आप मुझे उनके बॉक्स प्लॉट बना करके दिखाइए तब मैं समझ जाऊंगी कि आपकी क्लास में परफॉर्मेंस कैसी थी राइट right? तो अब ये आपको सोचना है कि आपने बॉक्स प्लॉट को को बना करके सही इंफॉर्मेशन निकाली है या आपने नहीं बना करके अपनी जो माँ का क्रोध है उससे बचने की कोशिश करी है राइट right? माँ तो माँ होती है लेकिन आपने देखिए इससे बड़ी बात तो यह है कि आपने उस डेटा के अंदर जो भिन्न भिन्न तरीके की इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी आपको नहीं लगता है कि आपने उसको बाहर निकाल लिया और ये इंफॉर्मेशन ऐसी है कि इस इंफॉर्मेशन को आप अगर किसी को भी दिखाओगे तो ये बहुत ही साइंटिफिक वे से आपने बाहर निकाली है और इसके ऊपर हर कोई भरोसा कर लेगा और इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है अब कोई मुझसे यह कहे कि बॉक्स प्लॉट बनाने में क्या रखा है खाली एक कमांड ही तो देना है आपको क्या लगता है इतने सारे लेक्चर अटेंड करने के बाद में क्या खाली आर सॉफ्टवेयर पर क्लिक क्लिक करने से या कमांड को टाइप करने से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या उसके द्वारा आप उस डेटा में छुपी हुई सही इन्फॉर्मेशन को समझ पाएंगे या आपको इन बेसिक फंडामेंटल की बहुत आवश्यकता पड़ेगी और शायद मुझे लगा कि शायद आपको आवश्यकता पड़ेगी इसीलिए मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अब वो समय आ गया है कि अब अपने हम जो भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशन से रिलेटेड जितने भी भी हमारे टॉपिक मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिए हैं अब आप कोई एक डेटा सेट लीजिए और उसके अंदर सारी की सारी एनालिसिस आप एक साथ करिए आप कोई छोटे छोटे कमान सारे के सारे आते हैं आप कोई बड़े साइज का डेटा सेट लीजिए पहले आप नोन लीजिए वो जहाँ पर आप वैल्यूज़ को कुछ आप आ, कुछ उसमें वेरिबलिटी डालने की कोशिश करिए देखिए फिर क्या होता है और फिर कोई एक अन नोन डेटा सेट लेकर के आप उसके एनालिसिस करिए क्यों क्योंकि अब आपको अच्छी खासी तो डेटा एनालिसिस करना आ ही गया है तो आप इन टॉपिक्स को इन्जॉय करिए प्रैक्टिस करिए सीखिए करिए सीखिए और हम आपको अगले टर्न पर एक नए टॉपिक को लेकर के फिर से आएंगे जो आपको डेटा के अंदर छुपी हुई एक और टेंडेंसी के बारे में बताएगा राइट right. तो चलिए आपसे अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए गुड बाय